लूटमार मेला की कहानी बड़ी अजीब है। जान की परवाह किए बगैर एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। प्रशासन पर भारी पड़ा आस्था का ये खूनी खेल। गोटमार मेला की शुरुआत 17वीं ईस्वी के लगभग मानी जाती है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे पांडुना हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन पांडुना और सावरगांव के बीच बहने वाली जाम में पलाश के वृक्ष की स्थापना कर पूजा अर्चना करके नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और सूर्यदेव से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल भी हो जाते हैं। इस पथराव में लगभग अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग भी खो दिए। फिर भी आस्था के नाम पे ये खूनी खेल लगातार कई वर्षों से जारी है। जिला प्रशासन पांडुना सांवरगांव के बीच होने वाले गोटमार मेले में पत्थर फेंकने पर रोक लगाने के अनेकों प्रयास किए गए, परंतु आज तक मेले का स्वरूप नहीं बदल सका। आस्था से जुड़ा होने के कारण इसे रोक पाने में असमर्थ प्रशासन व पुलिस एक दूसरे का खून बहाते लोगों को असहाय देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। गोटमार मेले में समय के साथ कई बुराइयां भी शामिल हो गई है। गोटमार के दिन शहर में खुलेआम शराब का सेवन करते हैं तथा प्रतिबंधों के बावजूद गोफन के माध्यम से तीव्र गति और अधिक दूरी तक पत्थर फेंकते हैं, जिससे मेला स्थल के लोग घायल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। CTN 12 से ब्यूरो रिपोर्ट पांडुना।